ये एक्टर तो आप सभी को याद होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनका नाम जिया खान है। इन्होंने न्यूयॉर्क में जन्म लिया था। ये उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला देखकर प्रभावित हुई थी। फिर उन्होंने सोच लिया था कि इन्हें भी बॉलीवुड में अपना नाम कमाना है। फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की जिसका नाम निशब्द था। उसमें अमिताभ बच्चन उनके साथ लीड रोल में थे। उनको पहली ही फिल्म सुपर स्टार के साथ करने को मिली। इसके बाद इन्होंने आमिर खान के साथ गजनी फिल्म की, ये भी सुपरहिट साबित हुई। दर्शकों ने इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया। फिर इन्होंने तीसरी और सबसे आखिरी फिल्म हाउसफुल की, जो कि एक कॉमेडी पर आधारित थी। इसमें इन्होंने अक्षय कुमार के साथ बाखूबी भूमिका निभाई थी, लेकिन इनके फैंस चाहते थे ये और भी फिल्में करें। इन्होंने 2010 से लेकर 2013 तक बैक टू बैक 3 फिल्में करी थी। उसके बाद अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया था। जी हाँ, इन्होंने मुंबई के एक फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह बताई गई थी कि सूरज पंचोली है। उस टाइम मीडिया में सूरज पंचोली और जिया खान के अफेयर की खबरें काफी सुर्खियों में थी, और कहा जा रहा था कि जिया खान ने सूरज पंचोली को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उन्हें उनके घर पे जाना पड़ा, घर पे वो मिले नहीं। और फिर बाद में सूरज पंचोली ने जिया खान को फोन करा और उन्हें फोन पर बहुत गाली गलौज सुननी पड़ी। जिया खान ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक नोट लिखा था, जिसमें लिखा था उनके मौत के जिम्मेदार सूरज पंचोली हैं। फिर सूरज पंचोली को जेल जाना पड़ा। आपको ये एक्टर्स कैसी लगती थी जिया खान, कमेंट करके जरूर बताइए।